संयुक्त किसान मोर्चा ने अमहिया बिजली कार्यालय का किया घेराव। बिजली कटौती से तंग आकर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तार बदलने को लेकर मुख्य भिन्नता को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 जुलाई को अमहिया कल्ला मंडी में बिजली कार्यालय में एकत्रित होकर धरना देते हुए किसानों की बिजली संबंधित समस्याओं से परेशान होकर ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने जर्जर बिजली के तार लगे जो जगह जगह पर जर्जर हो चुके हैं, जो कभी भी टूट कर नीचे गिर सकते हैं, जिससे बड़ी हानि जान माल की हो सकती है, जिससे जल्द से जल्द सुधार किया जाए। बिजली समस्या, बिजली कटौती पर अंकुश लगे किसानों की धान की रुपाई चल रही है। किसानों को पर्याप्त मात्रा बिजली ना मिलने से सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों की फसल तैयार ना हो पाएगी, इसलिए जल्द से जल्द बिजली की समस्या से निजात दिलाया जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। बताएं आज की मांगों को लेकर आप लोग विद्युत मंडल ऑफिस में बैठे हैं। जी, हमारी छोटी सी मांग है कि कोरोना काल में सबको सुविधाएं मिली। हम किसान हैं, 24 घंटे खेत में काम किया। अब जब हमें कुछ मिलना चाहिए, सरकार हमें बिजली देने के बजाय शर्तों के आधार पर 4 घंटे 6 घंटे बिजली दे रही है, उसमें भी 20 बार ट्रिपिंग होती है। हमारे मांग केवल इतना है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए आप 15 घंटे बिजली दे दीजिए, सारे जले ट्रांसफार्मर बिना शर्त के बदल दीजिए और ढीले जो तार हैं उनको बदल दीजिए। बस 3 मांगे जो कि बिजली विभाग को बिना ये प्रदर्शन के करना चाहिए, सरकार को बिना प्रदर्शन के करना चाहिए। ये मांगों के लिए 3 मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर आए हैं और प्रशासन से मांग करेंगे कि ये मांगे हमारी सुलझा दी जाए। यदि नहीं सुलझाई जाती है तो इसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। इसके पहले अधिकारियों से बात हुई आपको? नहीं, हमने नोटिस दिया था और बात इसके पहले जो हुई थी तो बोले कि प्रशासनिक स्तर का निर्णय है, राज्य का निर्णय है, चीफ मिनिस्टर का निर्णय है, हम उसमें देखेंगे। 7 दिन पहले दिया था, आप पूछेंगे कि आपने इसमें क्या कंडीशन लाई। क्या नाम है आपका? रामजीत सिंह, कोषाध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा रीवा।